सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़ ही रहे हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप फ्लाइट टिकट्स वगैरह पे पैसे वगैरह बचा सकते हैं, क्या क्या डिस्काउंट वगैरह आपको अवेल वगैरह कर सकते हैं, कहाँ से आपको टिकट्स वगैरह बुक करनी चाहिए, स्टूडेंट को क्या क्या ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वही सब आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द वीडियो। मेन पॉइंट पे आते हैं, लोग होते हैं हम डायरेक्ट फ्लाइट्स हमें जैसे महंगी पड़ेगी, तो हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स वगैरह, ट्रांजिट फ्लाइट्स वगैरह जो होती है वो करा के यूके आ जाएंगे। तो इसमें अब क्या हो गया, ज्यादातर फ्लाइट्स वगैरह होती थी यूएई के थ्रू होती थी या फिर यूरोप की कोई स्टेट वगैरह कंट्री वगैरह से होती थी फ्लाइट्स वगैरह। बट अब यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अगर आपको यूके आना है तो अगर आप उसके थ्रू आ रहे हो, यूरोप के थ्रू आ रहे हो, तो आपके पास यूरोपियन वीजा होना चाहिए। जो शेंगेन वीजा होता है वो आपको चाहिए होगा। तो इससे क्या, अगर आपके पास शेंगेन वीजा वगैरह है तो आप वो फ्लाइट्स वगैरह ले सकते हो। बट अगर आपके पास यूरोप का वीजा नहीं है, शेंगेन वीजा अगर आपके पास नहीं है, तो आप यूरोप के थ्रू यहाँ पर नहीं आ सकते हो, आपको वीजा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या हुआ, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह हैं या जो फ्लाइट्स वगैरह यूए के थ्रू आती है, श्रीलंकन एयरलाइंस वगैरह जो श्रीलंका के थ्रू वगैरह आती है, उन सबके रेट्स वगैरह इस टाइम पे बढ़ चुके हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि अगर आप यूरोप के थ्रू अपनी फ्लाइट्स वगैरह बुक करवा रहे हैं तो आपके पास वीजा होना चाहिए, वो भी आप थोड़ा देख के चलना। ये नहीं कि आप यूरोप के थ्रू अगर सस्ती फ्लाइट मिल रही आप करवा ले और आप यहाँ आ ही नहीं सके, क्योंकि उसके लिए भी वीजा अलग से उन्होंने मैंडेटरी कर दिया हुआ है। तो वीडियो के सेकंड पॉइंट में आते हैं, यूके में कॉमनवेल्थ होने लगे जुलाई लास्ट से, वो चलेंगे अगस्त सेकंड वीक तक, वो चलेंगे बर्मिंगम में ही वो हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वगैरह आएंगे यूके में बर्मिंगम वगैरह में, तो उसकी वजह से फ्लाइट वगैरह के प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस वगैरह है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सितंबर इनटेक वगैरह के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तो किसी को सितंबर में वीजा मिलता है तो उस टाइम आते हैं। उस टाइम पे तो फिर थोड़ा ठीक वगैरह हो जाएगा, किसी किसी को अगस्त में मिल जाता है वीजा तो अगस्त में आने की सोचते हैं। तो अगस्त टाइम पे भी यहाँ पे कॉमनवेल्थ वगैरह स्टार्टिंग में चल रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं अगर 10-11 तारीख को कॉमनवेल्थ खत्म हो रहे तो उसी टाइम फ्लाइट्स की टिकट एकदम सस्ती हो जाएगी, क्योंकि टूरिज्म वगैरह भी उस टाइम पे यूके में बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप अपनी फ्लाइट्स की टिकट्स वगैरह करवा के पहले से ही रखें। स्टूडेंट्स को होता है कि हम एक हफ्ता होटल करा लेंगे, क्योंकि होते हैं जो एक दो दिन होटल्स में रुकते हैं या फिर बाद में जाके कोई यहाँ पे फाइंड वगैरह करते हैं अपनी अकोमोडेशन वगैरह, तो वो लोग आप पहले अपनी बुक वगैरह करके चले, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है बर्मिंगम में। ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे 20,000 से प्लस ज्यादा लिस्टिंग्स वगैरह इस टाइम पे अवेलेबल है। 100+ सिटीज में ये लोग अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं यूके में, बर्मिंगम, कोवेंट्री, नॉटिंगम, स्कॉटलैंड और कोई भी आप यूनिवर्सिटीज वगैरह अपनी सर्च वगैरह करके उसके आसपास के अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटीज के पास इन लोग आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी और आप ये अकोमोडेशन अपने हिसाब से प्रेफरेंस वगैरह के हिसाब से इसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग अकोमोडेशन वगैरह अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इजीली आपको उधर सारी अवेलेबिलिटीज वगैरह मिल जाएगी जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होगी। डिफरेंट डोम्स हो गए, शेयर्ड अकोमोडेशन हो गया, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहिए, स्टूडियोज चाहिए, हर एक अकोमोडेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारा कुछ देख सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। इस साइड पे आप देख सकते हैं, आपको नाम होगा, यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह होगी, वो जाके आपको वहां पे भरनी है। उनका एक एजेंट आपको कांटेक्ट कर लेगा 24 आवर्स के अंदर अंदर, वो आपको सारी असिस्टेंस वगैरह वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह, हर एक आपके डाउट्स वगैरह वो लोग क्लियर कर देंगे। इनकी बहुत सारी अकोमोडेशन ऐसी है जहाँ पे आपको जिम्स हो गए, स्विमिंग पूल हो गए, पार्किंग और बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह है वो आपको वहां पे मिल सकती है। और आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आपके प्लान वगैरह चेंज हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज होती है, ऑफर लेटर में कोई दिक्कत वगैरह आती है, अकोमोडेशन किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल करवानी पड़ती है, तो ये फ्री कैंसिलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और होता है कि दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, किस किस में हम कर सकते हैं, इजीली आप चेंज वगैरह अपनी अकोमोडेशन करवा सकते हो, सिटीज ट्रांसफर करवानी है, सब कुछ इजीली ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और इनके थ्रू जो भी अकोमोडेशन आप लोग बुक करोगे उसके सारे बिल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, जैसे वाटर बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, वाईफाई वगैरह सारा आपको इंक्लूड ऑलरेडी मिलेगा। सारा कुछ आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अपनी अकोमोडेशन बुक करना ना भूले। और आप लोगों को मैं एक हो चीज सजेस्ट वगैरह करूंगा, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह होती है, मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया, कितनी सारी वेबसाइट होती है जिनके थ्रू आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि उनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप लोग टिकट्स वगैरह बुक करें, उस पर क्या आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और आपको प्राइसिंग वगैरह भी अच्छी खासी मिल जाती है। और स्टूडेंट्स को क्या है, कोई कोई एयरलाइंस वगैरह है वो लोग आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे एयर इंडिया है, वो इंडिया की जैसे है, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स को एक बैग का अलाउंस ज्यादा कर देती है। ऐसे अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो चीजें देख सकते हैं। इससे आपको एक और बेनिफिट हो जाता है, अगर आपको कैंसिलेशन वगैरह करवानी है या फिर अगर आपको अपनी डेट्स वगैरह चेंज करानी है तो आपको बहुत ही सस्ते रेट पे आपको चेंज वगैरह हो जाती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सिर्फ एक एग्जांपल है, ये स्पेसिफिक रेट वगैरह नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझा। अगर मैंने कोई टिकट booking.com से मैंने बुक करवाई, अगर मुझे टिकट £500 की पड़ी है और मेरा प्लान वगैरह चेंज हो गया, मुझे आगे करवानी टिकट या पहले करवानी है, अगर booking.com के थ्रू करवाऊंगा ना,
तो वो मुझे 200 pounds के अराउंड मुझे फीस वगैरह देनी पड़ेगी, और वही अगर टिकट मैंने एयर इंडिया की है उनके थ्रू करवाई होगी और उनके थ्रू मैं उसको आगे करवाऊंगा, या अगर पहले प्रीपोन करवा लूंगा अपनी टिकट वगैरह, तो वो मेरा मतलब मान लो 6-7 हज़ार में भी वो चीज़ हो जाएगी, मतलब 100 pounds से कम कम में भी वो चीज़ हो जाएगी। मैं तो वो यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली उनकी वेबसाइट्स पे जाकर अपनी टिकट्स वगैरह बुक वगैरह करवाया करो। उससे क्या होता है कि माइल्स के जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो भी इकट्ठे होते रहते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ एयर इंडिया नहीं, अगर आपको कतरेज होगी, एमिरेट्स वगैरह होगी, इस पर भी आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वगैरह हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। कोई भी आपके डाउट्स करें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी, यहाँ पर आप डीएम करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन जरूर दबा लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अपनी अकोमोडेशन वगैरह नीचे दिए हुए लिंक से बुक करना ना भूलें। स्टे सेफ, हैव फन, बाय बाय।